डीएम संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के द्वारा आज 3 गौशालाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जो कि पशुधन विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें कैला देवी गौशाला, नरियावदी गौशाला और एचोली गौशाला शामिल है। डीएम ने बताया कि उपरोक्त तो गौशालाओं की स्थिति संतोषजनक है, मगर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने विकासखंड पवानसा के ग्राम निरियावली एवं कैला देवी एवं एंचोली की गौशालाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशालाओं में पंजिकाओं को चेक किया गया, साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गौवंशों को आने वाले सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सर्दी से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौवंशों को पानी पिलाने वाली हौदी में थोड़ा चूना भी डाल दिया जाए, ताकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। जिलाधिकारी ने पानी की हौदी को नियमित साफ सफाई कराने के निर्देश भी दिए। संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि दाना और हरा चारा गौशालाओं में प्रत्येक दिशा में रहे। आज हमने 3 वृद्ध गौशालाओं का निरीक्षण किया है, जो पशुधन विभाग द्वारा ग्राम क्षेत्र में संचालित है, जिसमें निरियावली है, कैला देवी गौशाला है और एचोली गौशाला है। गौशालाओं की बाकी स्थिति ठीक है, उनको कुछ कुछ निर्देश दिए गए हैं। एक तो गौशालाओं में अच्छी सी साफ सफाई व्यवस्था रखी जाए, दूसरा सर्दी आने वाली है तो शीत के प्रकोप से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था अभी से कर ली जाए, और जितने भी पानी के हमारे चरई वो जो बनी हुई है उन सभी के अंदर चूना डाला जाए, ताकि कैल्शियम निरंतर मिलता रहे। और जो सेंधा नमक के यहाँ बोलते हैं कि नमक के पत्थर बोलते हैं, यदि वो हो तो वो यदि गाय चाटती है तो उनको निरंतर जो आपूर्ति है उसकी सोडियम की और इन सभी की आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ में जो दाना और हरा चारा है उसकी नियमित व्यवस्था की जाए, और गौशालाओं में गो आधारित कृषि के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाए। और एक गौशाला का चयन हम मॉडल गौशाला के रूप में भी करेंगे, जो गौशाला धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी हो, ऐसी गौशाला भी बनाया जाए।